ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर मिक्स क्वेश्चंस हैं, मैं छांट के ला नहीं सकता एडवांस लेवल पे कि मतलब ये सरफेस टेंशन है या ये वो है, क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मैं यहाँ से आया हूँ और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A1, 2, 3 का प्रिंट आउट लेंगे, A1, 2, 3 शीट का। तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था रादर मैंने करवाया था वो ये करवाया था कि दो सेपरेट एयर बबल्स हैं क्लास के अंदर किया हुआ है हमने, जिसका रेडियस 6 और 4 है और सेम लिक्विड है, कम टुगेदर टू फॉर्म अ डबल बबल। अब दो बबल इकट्ठे बन गए देखो, और फाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल फिल्म कॉमन टू दी, वो कॉमन इंटरफेस का जो रेडियस निकालना होता था हमने किया था, R1 R2 R1 - R2 जैसा फॉर्मूला था, याद आ रहा है क्या फॉर्मूला था, क्या करते थे? ठीक, मैं इसलिए नहीं करके लाया कि आपको रिवाइज करवाऊँ, मैं इसलिए करके लाया हूँ क्योंकि जिस बुक से मैं लेके आया उसका मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वो मेथड एक बार बताना चाहता हूँ। तो सिर्फ इसलिए, मुझे पसंद आया मैंने नोट कर लिया, अदरवाइज मेरी तरफ से तो ये डन है क्वेश्चन। तो उसने क्या कहा कि वो कहता है देखो कॉमन इंटरफेस है, मैंने कहा ठीक है यार कॉमन इंटरफेस है, तो देखो इसमें ये प्रेशर P1 है और ये P2 है और बाहर का प्रेशर एटमोसफेयर है, राइट। तो एक्सेस प्रेशर P1 के अंदर क्या होगा, P1 - P0 = 4T/R1 डन हो गया, ठीक। और इसी के अंदर जो नेक्स्ट है ये यार वो होना चाहिए, ये बबल होना चाहिए आई थिंक, ये बबल है कि वो है ड्रॉप है, हाँ बबल है ना ये, ओके डन ठीक है। तो ड्रॉप के अंदर तो क्या है, वो तो 2T/R यूज होगा, P2 - P0 भी क्लियर हो गया, 4T/R2 हो गया। मैंने क्लास में ऐसे करवाया था जिसका रेडियस छोटा होगा ना उसका प्रेशर बड़ा होगा अंदर का, है ना ऐसा कुछ, चलो छोड़ो जो करवाया था। P2 - P1 की वैल्यू, दैट इज अंदर का प्रेशर P2 और यहाँ का प्रेशर P1 है, और मैंने आपको फिर अब यूज ही करना पड़ेगा मुझे P2 > P1, क्योंकि जिसका रेडियस छोटा होता है उसका प्रेशर बड़ा होता है, तो इनका डिफरेंस इज 4S/R, कॉमन इंटरफेस आर आ गया, मान लो उस डॉटेड डॉटेड लाइन का रेडियस इज आर, इमेजिनरी रेडियस आर बनाता होगा, ठीक। तो देखो क्या सही क्या उसने, उसने कहा देखो P1 - P0 इसके इक्वल है, राइट, इक्वेशन एकदम सही है, P1 - P0 = P2 + P2 - सही है, इक्वेशंस को सही करो, P1 - P2 एक तरफ, P2 - P0 एक तरफ, सही है। यहां से P2 - P0 को लेफ्ट की तरफ ले आए तो क्या बचा, P1 - P0 राइट, P1 - P0 - P2 - P0 इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने स्वैप कर दिया P1 - P2 की जगह P2 - P1 = 0, क्या है स्टेप क्लियर है, फिर वैल्यूज पुट कर ली क्योंकि तीनों वैल्यूज हमें ऊपर पता है, आंसर आ गया सही है, मुझे बढ़िया लगा।
यू ट्यूब गिवन है, इस ट्यूब के अंदर मेनिस्कस देख रहे हो, मेनिस्कस का रोल क्या होता था कि यहां का प्रेशर बड़ा है यहां का छोटा है, यहां का बड़ा है यहां का छोटा है, और दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है एच, डायमीटर डिफरेंट है, 5 और 2 mm गिवन है। एट इक्विलिब्रियम वाटर लेवल डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन दी टू ट्यूब्स, ये पड़ी हुई है रेसिपी और वाटर का डिफरेंस है लेवल का, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल, एच निकालना है। हमने ये किया हुआ है कि अगर इनके मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस नोट करते हैं हमेशा, इनमें हाइट का डिफरेंस कितना है एच, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस केस में बी का प्रेशर ए के प्रेशर से बड़ा है, मेनिस्कस ऐसे है, कितना बड़ा है भाई, 2t/r1, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही हम बोल सकते हैं डी का प्रेशर सी से बड़ा है, तो हम निकाल सकते हैं 2t/r2 कुछ इस तरीके से, ठीक। और ट्यूब का रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस इसमें एग्जैक्टली सेम है, कोई बताएगा क्यों, इसमें कोई फर्क नहीं है, उसने ट्यूब का रेडियस दिया, जबकि प्रेशर के अंदर रेडियस किसका यूज होता है, मेनिस्कस का, सेम क्यों है, क्योंकि अगर आपको वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की थ्योरी याद हो, ये मेनिस्कस है, ये डॉट 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 डॉट, ये रेडियस क्या था, ये मेनिस्कस का रेडियस है और ये ट्यूब का रेडियस है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से एंगल क्या होता था, थीटा, तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होता था, लेकिन इसमें का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो जीरो है, कॉस 0 1 होता है, इसीलिए वो आपको मेनिस्कस का रेडियस नहीं दे रहा, वो आपको ट्यूब का ही रेडियस दे रहा है, पर साथ में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी जीरो दे रहा है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, नहीं तो जो लोग ये देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका मेनिस्कस है, मैंने शीट में लिख के दिया हुआ आपको थ्योरी के अंदर, मेनिस्कस ऑफ ट्यूब है या मेनिस्कस ऑफ जो भी ये जो कर्व है। तो बी और ए का समझ में आ गया, डी और सी का समझ में आ गया, और ए और सी का भी समझ में आ गया, क्यों, ए पॉइंट नीचे है सी पॉइंट ऊपर है, तो ए का प्रेशर बढ़ा है और सी का छोटा, और हाइट का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हाइट डिपेंडेंट है जी के हिसाब से, एच रोचे, 3 इक्वेशन बना ली इसको देख के, और बी का और डी का प्रेशर सेम है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये भी समझ में आ गया एटमोस्फेरिक है, ठीक। नेक्स्ट है पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू पी माइनस पी सी का, तो वही सेम ट्रेंड, जो ऑथर ऑथर है यार उसने ये पसंद है तरीका, मेरे को ही पसंद आ गया तरीका, तो पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, पी डी एड कर दिया, पी डी सब ट्रेट कर दिया, क्योंकि दोनों एटमोस्फेरिक है, पी ए माइनस पी बी एक तरफ कर लिया और पी डी माइनस पी सी एक तरफ कर लिया, राइट। अब मेरे को पता है कि इसके अंदर पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू पी डी माइनस पी सी आगे, और इसको उल्टा कर लिया तो साइन माइनस आ गया, कहाँ पे ये ये स्टेप आ गया, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, चलो जी एच निकाल लेना आंसर, हाइट एच आ जाएगी, चेक कर लो, ठीक ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है, ये तो फिर शीट क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, यही तो कह रहा हूँ कि आपने स्टार लगा लेना है कि मैं भूल जाऊंगा तो उसको पेपर से पहले देख के जाऊंगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या होगा। तो आज से पहले तो देखो, मैं भी किसी और तरीके से करता था, मैं क्या करता था बता देता हूँ अपना तरीका, मैं 3 क्वेश्चन लिख लेता था, फिर मैं सिर्फ इलिमिनेशन देखता था कैसे कोई चीज उड़ जाए और मैं एच निकाल लूं, हर बंदा ऐसे ही करेगा ऑब्वियसली, 3 इक्वेशन देख के और कर भी क्या सकता है वो, मैं भी ऐसे ही करता था, बट अब मुझे अगर आप कोई क्वेश्चन दोगे तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऊपर ये वैल्यूज देख के कुछ ना कुछ तो ऐड सबट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, नहीं करो उसको सॉल्व कर लेना घर जाके, उसमें क्या दिक्कत है, वैसे सही, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि ऐड सबट्रैक्ट का मेथड यूज करो, वैसे कर लेना क्या दिक्कत है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ना प्लीज,
a radius given as 0.1 meter and mass 20 kg is attached to the lower end of the steel wire of length given. So 5 wire hai aur ye 5.2 diameter aa jayega minus karke iska 5.22 में से 5 meter minus kiya diameter of this ball and कुछ गलत बोल दिया मैंने यार मेरे को लगा ऐसा आया डायमीटर को गिवन है फिर से बोलो हाँ है सॉरी इलास्टिसिटी है इसमें सॉरी वो इलास्टिक है तो खींची होगी राइट चलो फिर ठीक है तो नहीं तो मैं सोचा कि ज्योमेट्री से माइनस करके आ ही रहा था वो 5.2 में 5 गया तो पता लगता ही है कि वो कितनी वो चेंज इन लेंथ निकालने के काम आ जाएगा चलो मैं बताता हूँ कैसे मतलब मुझे एक पढ़ने से पहले ऐसा लगा कि ऐसा होगा बट इन एनी केस मुझे याद आया कि सच वो डेल्टा एल की प्रॉब्लम है यंग्स मॉडुलस की प्रॉब्लम है तो ये इलास्टिक वायर है खींची होगी राइट मुझे याद आ गया तो रेडियस आपको इसमें गिवन है स्फीयर का एंड मास इसमें गिवन है टू अ लोअर एंड ऑफ द स्टील वायर ऑफ लेंथ गिवन एंड डायमीटर गिवन तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लेंगे एरिया डायमीटर गिवन है और लेंथ आपको 5 मीटर गिवन है द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम 5.22 मीटर हाई सीलिंग ऑफ द रूम तो छत की हाइट फ्लोर से 5.22 है व्हेन द स्फीयर इज मेड टू स्विंग एज अ सिंपल पेंडुलम इट जस्ट ग्रेजेस द फ्लोर एंड एट इट्स लोअर पॉइंट अच्छा ये तब की है जब ये ऐसे मूव कर रही होगी राइट ये खड़ी हुई की नहीं है ऐसे बना लेना प्लीज डायग्राम डॉट 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 ऐसे इससे पता लग रहा है कि ये मूविंग क्योंकि अदरवाइज क्या है अदरवाइज तो ये ऊपर कहीं लटकी होगी और जब हम इसे मूव करवाएंगे घुमाएंगे तो ये इलास्टिक लंबा हो जाएगा और ये पूरे सरफेस को टच करता हुआ जाएगा तो ये मूविंग पेंडुलम की फिगर है खड़े हुए की नहीं है तभी वो गलती होने का चांस हो सकता था इसमें राइट तो आगे कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एट द लोएस्ट पॉइंट देखो जो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने क्योंकि मूविंग नहीं था एक्चुअली वो ऐसा बनता तो समझ में आता कि इलास्टिक हो चुका है तो मुझे समझ में आता है कि टोटल लेंथ ये जो है 5.22 ही रहेगी और ओरिजिनल लेंथ वायर की 5 मीटर है तो ऑब्वियसली स्फीयर कहीं ऊपर कहीं लटका होगा फिर मूव करता हुआ जमीन को टच कर रहा है तो यानी कि लंबी भी हुई होगी वायर तो एल लेंथ ओरिजिनल है डेल्टा एल लंबी हो गई साथ में स्फीयर का पूरा डायमीटर भी आएगा बीच में कितना 2R टोटल लेंथ मिला के 5.22 है राइट तो मैंने एक्चुअली ये भूल गया था मैं क्योंकि वो मुझे लगा स्टेशनरी है तो ये चल रहा है तो डेल्टा एल भी है राइट मैंने ठीक किया इसमें तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से कैन बी कैलकुलेटेड तो यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा एल आ गया अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला टेंशन बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई और लोएस्ट पॉइंट पे क्या स्टोरी है लोएस्ट पॉइंट पे जब ये बॉब आएगा टेंशन क्या है टी वेट क्या है एम जी और सेंट्रीपिटल का हाइट करेगी टुवर्ड सेंटर एम वी स्क्वायर बाय आर अब ये इंपॉर्टेंट है तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय रेडियस जितने में घूम रहे ये तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय रेडियस तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय अब रेडियस क्या लिया जाता है रेडियस कहां से लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम का फ्रॉम सेंटर ऑफ मास यानी कि स्फीयर के सेंटर तक स्फीयर के सेंटर में टोटल लेंथ एल आती है स्टील की डेल्टा एल भी आता है और साथ में टू आर नहीं आता आर आता है तो यहां से वैल्यूज पुट लेना आंसर आएगा ठीक है यहां तक टेंशन आ जाएगी क्वेश्चन पढ़ना
सिलेंडर कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा. डन ओमेगा से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ द वाटर. अब सरफेस ऑफ द वाटर मैथमेटिकली पैराबोला टाइप ऐसा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन आपको एक्स और वाई में प्रॉपर रिलेशन निकालना है इसका. अब लगने से क्या होता है, और वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बॉटम ऑफ द वेसल लॉन्ग इट्स रेडियस एट अ डिस्टेंस एक्स प्रोवाइडेड द प्रेशर एट द सेंट्रल पॉइंट इज पी नॉट. चलो बी पार्ट बाद में करते हैं, पहले ए पार्ट करते हैं. तो पानी की सरफेस लो, उसका कोई भी एक पार्टिकल लो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और इस पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रही है क्योंकि एक्स रेडियस में घूम रहा है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और इसमें इसका वेट पार्टिकल का जी है. तो ऑब्वियसली फोर्सेस नेट फोर्स ऐड करेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा. अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा से ये थीटा हो जाएगा, कुछ भी कर लो वो, तो ये थीटा लेना है ये थीटा लेना है उसमें कोई चक्कर नहीं है. अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यों लिया मैंने थीटा बताता हूँ मैं. ये थीटा रिलेशन समझ में आ गया, क्योंकि मुझे टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डीवाई और डीएक्स की रेशियो निकालनी है जो इसकी स्लोप होती है. सारी गेम तो स्लोप की है ना, स्लोप चेंज हो रही है. तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, डीवाई बाई डीएक्स. स्लोप क्या होती है, टेन थीटा. इस ट्राइंगल से टेन थीटा निकाल लेना, दिस साइड अपॉन दिस साइड. ये साइड अगर एम एक्स ओमेगा स्क्वायर है तो ये भी एम एक्स ओमेगा डिवाइडेड बाई एम जी. तो डी वाई और डी एक्स में रिलेशन आ गया, तो डी वाई एक तरफ डी एक्स एक तरफ, तो यहां से वाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर जी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आंसर आ जाएगा. एक्स और वाई की क्वेश्चन आ गई. ठीक है, तो आगे प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स. तो मुझे यहां प्रेशर भी निकालना है, तो ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्या, प्रेशर बॉटम पे क्या होगा, बॉटम समझते हो ये रहा. तो इसकी हाइट कितनी है यहां से, वाई वाई. तो बॉटम पे इस पार्टिकल का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट एटमोस्फेरिक तो लगना ही लग रहे हैं, साथ में क्या ऐड हो जाएगा, रोजी वाई, रोजी वाई. और वाई की वैल्यू ये हम यहां से यहां पुट कर देंगे, तो जो भी उन पार्टिकल्स का प्रेशर है वो एट एनी इंस्टेंट उस वाई डिस्टेंस पे कैन बी कैलकुलेटेड. तो बी पार्ट हो जाता है यहां से. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना प्लीज.
नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कॉन्स्टेंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल बर्नौली थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन है. फ़र्क यह है कि बर्नौलीज के अंदर हमें वो पी वन, वही ओल्ड ट्रेडिशनल एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, वी वन वी टू पी वन पी टू टाइप, ये वो नहीं है. इसमें सारी वैल्यूज गिवन है आपको, हाइट भी आपको गिवन है. इसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी पानी की 2 मीटर से 5 मीटर में बढ़ रही है, हम कह रहे हैं बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल जो रूल बोलता है पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हुए नेगेटिव माइनस की फॉर्म में लेते हैं, पर वो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट. तो डन हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा इसमें ऑब्वियसली, जब पानी वी वन से एंटर करेगा वी टू से बाहर निकला, और प्रेशर एनर्जी की गेम है सारी. अब बस आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है, फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस. देखो ग्रेविटी का रूल तो बहुत क्लियर है, ग्रेविटी का रूल क्या बोलता है, एम जी एच इज एम जी इन टू डेल्टा एच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और अगर मैं उस को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी. एम जी एच को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉर्मली बुक्स में माइनस इसलिए लिखा होता है बिकॉज वो अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ काम करते हैं, तो अर्थ ग्रेविटी के साथ कोई अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करती है, और अगर अगेंस्ट जा रही है तो नेगेटिव करती है. तो नॉर्मली माइनस रो जी इंटू डेल्टा एच से आपके पास ये आंसर आ जाता है. मैं आपको मेथड नंबर 2 भी दिखाऊंगा, तो अपना रुको. तो एक आंसर पोटेंशियल का चेंज का आता है, और ए वन वी वन ए टू वी टू तो अलाउड है, क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. यहाँ से वी वन इस क्वेश्चन में गिवन है और वी टू हमने निकाल लिया, ये भी राइट हो गया. अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए. मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेंसिटी. और आप ये देखेंगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि पानी स्लो हो रहा है ऊपर जाते हुए, फास्ट नहीं हो रहा. तो नॉर्मली आपकी बुक्स क्या करती हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाती हैं, इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम बर्नौलीज के अकॉर्डिंगली ऐसे लगती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ग्रेविटी और प्रेशर के वर्क डन के हिसाब से आएगी. कि वर्क डन पर जो प्रेशर होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, उनका जो सम होगा वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखा देगा आपको. कहने का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हो तो इस केस में चेंज इन जो आंसर जो आंसर होगा वो क्या होगा, या हमने निकालना क्या है, हमने पहले एक तरफ निकालते हैं कि हमने इसमें प्रेशर का वर्क डन निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ग्रेविटी कर लिया, ओके. तो ये निकालना है हमने, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है एज इट इज पुट कर दी, जो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हुए नेगेटिव है, तो हमारे पास ये आंसर आता है. तो इसकी बजाय जो हमने किया, हमने क्या किया मेथड 2 में, हमने कहा ठीक है हम एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन कर लेते हैं, या रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन कर लेते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये डन हो गया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू निकाल ली. काइनेटिक एनर्जी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो तो पक्की नेगेटिव दिख ही रही है, वो इसलिए नेगेटिव दिख रही है बिकॉज पानी की स्पीड ही स्लो हो गई ऊपर जाते हुए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर हमने क्या किया, जो प्रेशर एनर्जी है, हमने जो बर्नौली लगाई थी एनसीईआरटी के हिसाब से, वो ये कहती थी कि प्रेशर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में ये चेंज आया था और काइनेटिक में ये चेंज आया था. पोटेंशियल बड़ी थी, काइनेटिक कम हुई थी, जो एडजस्टमेंट हुई थी वो प्रेशर की वजह से हुई थी. तो ये आंसर आ जाएगा. ये आपके ऊपर आप कैसे करते हो, वैसे रूल वाइज अगर वो रूल फॉलो करते हो विथ साइन कन्वेंशन की वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव होता है, तो फिर तो ऊपर वाला लगाना पड़ेगा. वैसे आपको बता देता हूँ, बर्नौलीज के अंदर जब पानी ऊपर चढ़ेगा ना पाइप में, काइनेटिक कम ही होगी, चेंज इन काइनेटिक हमेशा नेगेटिव निकल के आती है. ठीक हो गया. और कभी कभी मैं ये नहीं कहता हमेशा, क्योंकि एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ए वन वी वन ए टू वी टू. अगर एरिया ही कोई पतला करता जाएगा ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, पर नॉर्मली जो मैंने देखा है वो ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है नेगेटिव आ जाता है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट. तो वहाँ से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप चाहो तो अपने अपने हिसाब से एनर्जी के हिसाब से प्रेशर एनर्जी निकाल सकते हैं. नहीं समझ में आता फिर ये बिल्कुल ट्रेडिशनल एक ही रूल फॉलो कर लो कि हमने तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव लेना है, जब पानी ऊपर जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, बात खत्म हो जाती है. फिर सीधा बोलेंगे इसमें जी के अगेंस्ट काम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव, नेगेटिव आई तो नेगेटिव, तो इसको बॉक्स में डाल लो, बात ही खत्म हो गई, इसको स्टार लगा लेना बस इस टाइप की प्रॉब्लम में. नहीं तो वैसे तो आप कर ही लोगे, अपनी कॉमन सेंस से भी एनर्जी कंजर्वेशन कर लोगे, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन के साथ चल रहे हैं तो फिर ये लगा लो, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता.
ये क्वेश्चन पढ़ना, ये पिचकारी टाइप क्वेश्चन, पीछे से पिस्टन पिचकारी है, आगे से होल है, फ्रंटल सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, एरिया कैपिटल, इस पीछे से इसका पिस्टन का एरिया कैपिटल ए है, और कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन अप्लाई की जा रही है, ऑन द राइट साइड इज अ स्मॉल होल ऑफ एरिया स्मॉल ए, स्मॉल ए तो बहुत छोटा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एंड व्हाट इज टाइम टेकन इन एम्प्टिंग द सिलेंडर, सिलेंडर कितनी देर में खाली होगा और जो है आपको ये निकालना है इसमें वेलोसिटी कितनी रहेगी पिस्टन की। तो मेरे को ये समझ में आता है वी वन वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन है और वी टू जिससे कि पानी बाहर आ रहा है, राइट तो यहां लिख लेना दिस इज वी वन दिस इज वी टू, डायग्राम में लिख लेना वी वन एंड वी टू, राइट। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट पे, बर्नौलीज की इक्वेशन लिख दी, लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक तो लग ही रहा है, साथ में मेरा भी तो लग रहा है फोर्स बाय एरिया बाय रो, और पिस्टन की वेलोसिटी मैंने कितनी दी वी वन, पोटेंशियल तो लेनी नहीं है, बाहर निकलती पानी की पानी का प्रेशर एटमोस्फेयर हो गया पी नॉट और बाहर निकलती वेलोसिटी v2, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाई v2 आ गया और एरिया पिस्टन का बड़ा a है और होल का ये बड़ा a ये छोटा a, ठीक। तो यहाँ पर v2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी तो आपके पास ये वैल्यू आ गई आपके पास पूरी की पूरी, और इस वैल्यू से फोर्स बाय एरिया सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली कॉमन निकाल के ये टर्म आ गई, और क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है पिस्टन का, होल का बहुत छोटा है, ठीक, तो ये रेशियो बहुत ऊपर से स्क्वायर भी है तो बहुत बड़ी आने वाली है, वन के मुकाबले बहुत बड़ा है तो वन कैन बी निगलेक्टेड, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाते हैं आपके पास, ठीक। नहीं तो वन करना है लगा लो, उसमें ऑप्शन में मिलेगा नहीं और क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही कर दो, तो आपके पास फोर्स बाय एरिया की वैल्यू आ जाती है और यहां से आपको क्या निकालना है वी वन निकालना है, तो वी वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा, राइट। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास वी वन की, और ये स्टेप समझ आया, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल ए इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, इतना बड़ा आ जाएगा कि इनका माइनस करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अप्रॉक्सीमेटली, और टाइम कितना लगेगा सेंटर को खाली करने में, लेंथ ऑफ द पिस्टन कितना है, वो पिचकारी की लेंथ कितनी है एल है, और टाइम कितना लगेगा वी वन वेलोसिटी से वो पिस्टन कॉन्स्टेंट उससे मूव करता जा रहा है डिस्टेंस बट वेलोसिटी, पुट कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वेरिएबल ज़्यादा इन्वॉल्व है वैसे, पर चलो ठीक है, इसमें मुश्किल भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखना,
क्वेश्चन है कि ये एक साइड वॉल ऑफ वर्टिकल सिलेंडर है, ये दीवार है, और साइड वॉल मतलब साइड से ऐसे आपको दिखेगी ये, एंड वर्टिकल सिलेंडर है, हाइट 75 सेंटीमीटर है, हैज अ नैरो वर्टिकल स्लिट, तो एक स्लिट ओपनिंग ओपनिंग है, बी डिस्टेंस की ओपनिंग है, और बी की वैल्यू 1 mm गिवन है, लेंथ आपको 50 इस क्वेश्चन में, सॉरी हाइट आपको इसमें 75 गिवन है, हैज़ अ नैरो वर्टिकल स्लिट रनिंग ऑल द वे डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेसल, पूरे वेसल के नीचे नीचे ये स्लिट चल रही है, एक लाइन है। अब द लेंथ ऑफ द स्लिट इज एल इज 50 सेंटीमीटर की स्लिट है बीच में, एंड बी आपको गिवन है विद द स्लिट क्लोज्ड, पानी नहीं है बीच में, अभी खाली है। अब वो ये कह रहा है कि वेसल इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है ये, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द वेसल इमीडिएटली आफ्टर स्लिट इज ओपन, स्लिट को ओपन कर दिया, पानी जो है इस स्लिट में से पास होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बताना है कि जो जो दीवार है उसकी और रिएक्शन फोर्स लगाएगी, एकदम रश करेगा पानी उसमें से, तो आपको ये बताना है कि जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ये क्वेश्चन है। अब अगर रिएक्शन फोर्स तो यार यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ पानी नीचे निगरेगा तो हर जगह लगेगी, तो फिर तभी तो इसमें क्या यूज़ किया है, इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके हर पोर्शन की क्या निकालनी पड़ेगी, रिएक्शन फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब पानी नीचे आ रहा होगा, स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया डी एक्स, और कितना एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम लोअर पॉइंट, तो इस केस में डी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द स्लिट, और एरिया ऑफ द स्लिट क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स, बी इसकी विड्थ है ना नीचे देखो, और डी एक्स इसका एरिया आ गया, जो शेडेड एरिया है बी इंटू डी एक्स है। अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इस एरिया में से कितना पानी निकलेगा एक सेकेंड में, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला होता क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी, मान लो इस इंस्टेंट पर पानी ऊपर गिर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वी इंस्टेंट पर, और एरिया कितना है बी इंटू डी एक्स में से पास करेगा, तो क्या आ गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। स्मॉल फोर्स कितनी लगेगी, स्मॉल फोर्स का ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो नोट जरा पढ़ना, मैंने लिखा है ये फॉर्मूला कैसे बनता है, बुक्स में डायरेक्टली लिख, ठीक है। तो जो फोर्स है दैट इज, जो मैंने फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर लिखा मैंने, वेलोसिटी स्क्वायर इज वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास फ्लोइंग पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बाय सेकेंड इज फोर्स, सही बना। तो आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में फोर्स का फॉर्मूला क्या, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, पानी ऊपर से गिर रहा है और एक्स डिस्टेंस पे है, वो जो पोजीशन है वो कितनी पोजीशन है, वो एक्स पोजीशन है लोअर पॉइंट से ये रही, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स गिर रहा है, तो एल माइनस एक्स पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू हाइट कितनी है एच माइनस एक्स, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स से खींच रही है, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट किया तो आपके पास क्या आ गई, स्मॉल फोर्स आ गई। ये जो फोर्स है क्योंकि ये प्रेशर की वजह से निकलेगी तो ऑब्वियस है कि हर तरफ फोर्स लगाएगी ये, तो इस केस में इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें जहां तक स्लिट चल रही है, स्लिट कहां से कहां चल रही है, जीरो से एल तक चल रही है, जीरो से एल तक इसे इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी, एच इज अ कॉन्स्टेंट, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है यार, पढ़ना जरा क्या क्वेश्चन है, छोटा सा है,
ये नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं, वैसे मुझे मुश्किल लगता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, जैसे कोई वॉल है, वॉल ऑफ सिलेंडर है जो भी है, उसमें ना एल लेंथ और बी ब्रेथ तो उसकी साइड वॉल है, पानी है इसके पीछे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस दीवार पे कितनी फोर्स लग रही है एक्स के अलोंग, ऐसे पानी प्रेशर लगा रहा होगा तो फोर्स भी लगेगी। तो मुझे ये समझ में आता है एरिया कितना एल इंटू बी। तो अगर यहाँ प्रेशर पता लग जाए मेरा आंसर आ जाएगा। और एवरेज प्रेशर पूरी वॉल पे क्या लेते हैं, एल रो जी बाई टू, याद है वह तो इंटीग्रेशन से होता है, पर मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि आप एल बाई टू ले लिया करो, तो सेंटर ऑफ इसका पॉइंट बोलते हैं वॉल का, तो इसकी हाफ लेंथ ले लेनी है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ये कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड का क्या होता है। तो ये पॉइंट समझ में आया पहले तो यहाँ तक। आगे अब जैसे मान लो ये फिगर चेंज कर दी मैंने, दीवार फ्लैट ही नहीं है, दीवार ये रहा हेमिस्फेयर है, पानी लगा हुआ पीछे, तो आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है इसके इसके ऊपर। तो नोटेड पॉइंट, एरिया टेकन क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया। एरिया हेमिस्फेयर का एरिया कभी नहीं लेना, प्रोजेक्टेड एरिया समझते हो, ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा। ये नेक्स्ट टाइम कराऊंगा कि एक्चुअल में होता क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंटेनर है दीवार पे जो प्रेशर लगता है तो उसकी शेप कैसी भी होगी उसका हमेशा प्रोजेक्टेड प्लेन एरिया लेते हैं। तो प्लेन एरिया के अंदर ये एरिया आपका क्या हो जाएगा इस टाइप से। वो रीज़न भी है ना, क्योंकि फोर्स है वो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल याद है एक बार किया था, वो जो टेढ़े मेढ़े कंटेनर जब होते हैं तो रिएक्शन फोर्स लगती है जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर प्रोजेक्टेड एरिया लेना है आपने। तो अब होगा क्या, एच रो जी में अब आर रो जी प्रेशर है, एवरेज प्रेशर, और इंटू कितना पाई आर स्क्वायर लेना है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ पीछे तरफ एल है, एल है। तो अब इस केस में इसकी हाइट यहां से एच है, यहां लिक्विड भरा हुआ है टू रो और यहां लिक्विड भरा हुआ है थ्री रो, और आर इसका रेडियस है। यहां से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यहां से कम लग रहा है, पता नहीं कम ज्यादा जो भी है, पर लग रहा है साइड वॉल्स पे। तो लेकिन ये इक्विलिब्रियम में सिलेंडर, तो आपको ये बताना है, अगर ये इक्विलिब्रियम में सिलेंडर तो आपको ये बताना है कि इस केस में एच क्या होगा, इस तरफ से हाइट क्या होगी लिक्विड की, फोर्स निकालना है इस तरफ की। मान लेते हैं पीछे की तरफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी है, एल है, तो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स राइट की और फोर्स लेफ्ट की एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर फोर्स क्या लग रही है एक्स एक्सिस में, तो आपने ये वाला कर्व सरफेस एरिया नहीं लेना, आपने इसकी एक सिंपल प्रोजेक्शन लेनी है। तो आपको ये हाइट कितनी दिख रही है यहां से यहां तक एच, पर आपने एच नहीं लेना, प्रेशर में एवरेज प्रेशर में एच बाई टू रो जी। तो प्रेशर इस साइड पे क्या लगेगा पूरे सरफेस के ऊपर, एच बाई टू इंटू डेंसिटी की जगह टू रो इंटू जी। एरिया क्या होगा प्रोजेक्टेड, एल लेंथ है उसकी गेरी, ये हाइट कितनी ली हमने एच, प्रोजेक्टेड एरिया इधर से आपको ऐसा दिख रहा है पर प्रोजेक्टेड इसका फ्लैट ऐसे ही बनेगा पीछे जाके, और फ्लैट एरिया क्या बनेगा एल इंटू एच, प्रोजेक्शन प्लेन बनेगा उसका, शेडो कह सकते हो, शेडो, प्रोजेक्शन का मतलब शेडो होती है। तो अगर मैं इस पोर्शन की शेडो उस दीवार पे बनाऊं तो वो आपको एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगी, तो जो कि एच इंटू क्या हो जाएगा इसमें एल हो जाएगा। और अगर उधर से देखें उस तरफ से तो फोर्स क्या आएगी आर बाई टू, क्योंकि आर हाइट है तो आर बाई टू इंटू डेंसिटी इंटू जी, और यहां से क्या होगा, अब ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको एल, ये लेंथ एल, और हाइट कितनी है इसकी आर, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा पूरा वो आर इंटू एल बनेगा। तो इसलिए ये फोर्सेस ऐसे इक्वेट की गई हैं, बुक का सॉल्यूशन को समझ में आएगा नहीं वो क्या किया उसने, तो ये इक्वेट करके बुक में ऐसे किया हुआ है। अब लगे रहो सॉल्व करने, आपको ये फोर्स नहीं समझ में आएगी, ये फोर्स कहां से आ गई, इसके ऊपर और क्वेश्चन नेक्स्ट असाइनमेंट में आने वाले हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकलता है, ये सिर्फ एडवांस में आएगा और कहीं नहीं आता प्रोजेक्शन वाला एरिया, ठीक। इसके ऊपर और पूरी शीट है मेरे पास बनी हुई है शीट, एक डॉट वाइज मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, डॉट वाइज पानी के अंदर ऊपर चल रहा है, डॉट वाइज के पीठ पे कितनी फोर्स और प्रेशर लगेगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसके ऊपर जितना भी काम है सेंट्रॉइड के ऊपर वो नेक्स्ट असाइनमेंट में लिख के लाऊंगा सारा, ठीक। असाइनमेंट में मेरे पास लंबी असाइनमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें से मैं शीट बना के लाऊंगा पूरी एक, ठीक। तो ये देखो ऐसा रॉड वाला क्वेश्चन तो फिर भी किया हुआ है शायद हमने, पढ़ लो।
ठीक है, देखो एक सिलेंडर है, साइलेंडर नहीं है, मैंने पहले भी अगर बताया था, सिलेंडर रॉड SHM के अंदर बहुत यूज करते हैं, सिलेंडर सिलेंडर रॉड को बोलते हैं। आदि जनता पेपर छोड़ देती है, सिलेंडर नहीं करवाया हमें, तो SHM के अंदर बहुत यूज होता है। अभी कराऊँ दिखाऊंगा मैं आपको। ऑफ लेंथ कितनी है, 2L है, एंड फ्लोट्स पार्शली इमर्ज इन वाटर बींग सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग फास्टर टू वन एंड ऑफ इट्स, मतलब उसमें हिंज करने की बजाय यहाँ लटका दिया इसे। अब हिंज ऊपर नहीं है, हिंज नीचे नहीं है, हिंज ऊपर हो गया, जैसे हमने क्लास में किया था, हमने हिंज यहाँ की थी रॉड, लेकिन इसमें रस्सी से बांध दिया। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज 0.75, फाइंड लेंथ ऑफ द रॉड दैट एक्सटेंड्स आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर कितना पोर्शन पानी के बाहर है ये बताना है आपको। तब इसके अंदर मान लो एक्स पोर्शन पानी के बाहर है, टोटल लेंथ 2L है, तो अंदर कितना है, 2L माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है 2L माइनस एक्स। मैंने एक पॉइंट बताया था इस क्वेश्चन को करने से पहले कि जो वेट है वो हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा बॉडी के, पर फोर्स ऑफ बॉयंसी कहाँ एक्ट करेगी, जितना पोर्शन सबमर्ज्ड है उसके सेंटर पे बॉयंसी एक्ट करेगी, तो बॉयंट फोर्स इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगी। तो बॉयंट फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पानी है मान लो, पानी यहाँ तक है, तो बॉयंट फोर्स एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे है, और ये है कितना, 2L माइनस एक्स, 2L माइनस एक्स का आधा कितना हुआ, L माइनस एक्स बाई 2L माइनस एक्स, समझ में आ गया यहाँ तक। फोर्स ऑफ बॉयंसी इसके और इसके मिड पॉइंट में, ठीक। और ये लेंथ चेक कर लो, इसको x में ऐड करोगे तो l प्लस एक्स बाई टू। ये क्यों कर रहे हैं, इसका वेट कितना ऐड कर रहा है नीचे mg, और टेंशन क्या ऐड कर रही है t ऊपर की तरफ। प्रिंसिपल मोमेंट अभी o पॉइंट पे लगा लेते हैं, तो क्या लगेगा, o पॉइंट को एक्सिस मानते हुए फोर्स ऑफ बॉयंसी एरी, फोर्स ऑफ बॉयंसी इंटू दिस डिस्टेंस, ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा लेकिन ओरली बोलते हैं, ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, फोर्स ऑफ बॉयंसी तक l प्लस एक्स बाई टू है। यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ये बनेगा, तो अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एस लाइन ज्वाइन, डॉट 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 कर लो नहीं तो ऐसे थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल प्लस एक्स बाई टू कॉस थीटा, और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसे, एम जी का क्या होगा, एम जी इंटू दिस डिस्टेंस। अब mg कहां पर होता है, मिड पॉइंट में होता है l बाई टू पे, वेट तो मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, l बाई टू cos थीटा, ज्योमेट्री बनाना ना यहां से, तो बस ठीक है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट लग गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में फोर्स ऑफ बॉयंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए आपको वेट निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी सिर्फ सबमर्ज पोर्शन पे लगती है, सबमर्ज पोर्शन कितने कितनी लेंथ का है, 2L माइनस एक्स, एरिया कितने रॉड का a, तो वॉल्यूम कितना है उस रॉड का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, फोर्स ऑफ बॉयंसी आ गई, लेकिन वॉल्यूम कौन सा लेना है, सबमर्ज्ड पोर्शन का, तो ये वैल्यू आ गई। और उसी तरीके से ये वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे यहां पे फोर्स की जगह, मास किसका, रॉड का, रॉड का टोटल वॉल्यूम कितना है, 2L इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू जी, रॉड की डेंसिटी कितनी है, रॉड की रिलेटिव डेंसिटी 0.75 की बना है, तो रॉड की डेंसिटी क्या होगी, 0.75 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पुट कर देना पानी पानी की डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, एल निकाल लेना, घर जाके कैलकुलेशन चेक कर लेना, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक।